स्टार प्लस के फेमस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिमन्यु यानी कि मशहूर अभिनेता हर्षद चोपड़ा शो में अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ प्रणाली राठौर की हर आदत को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके चलते ये अपनी नकली वाइफ को बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हर्षद चोपड़ा असल जिंदगी में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड श्रुति झा की कुछ आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसने इन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। तभी तो इन्होंने श्रुति से उन आदतों की वजह से ब्रेकअप कर लिया था जिससे आप अनजान है। तो चलिए आपको उन्हीं बैड हैबिट्स के बारे में बता देते हैं जिसके चलते श्रुति झा ने हर्षद चोपड़ा को बहुत तंग किया था। नंबर 1, ड्रिंक करना। टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता हर्षद चोपड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड श्रुति झा एक नंबर की पियक्कड़ थी, जो हर वक्त ड्रिंक करती रहती थी। जब भी वो किसी पार्टी फंक्शन में जाती तो उन्हें वोडका वाइन तो पीना ही होता था, जिससे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे हर्षद, क्योंकि पीने के बाद फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। नंबर 2, अदर स्टार्स से क्लोज होना। हर्षद चोपड़ा अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड श्रुति झा की दूसरी आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे, जो थी दूसरे स्टार्स के साथ क्लोज होना। जी हाँ, श्रुति भले ही बहुत ज्यादा फ्रैंक किस्म की लड़की थी, पर ये बात बात पर हर किसी के साथ चेप होने लगती थी। हाथ मिलाना, गले लगना, किस करना इनके नेचर में था, जो हर्षद चोपड़ा को काफी ज्यादा बुरा और वल्गर लगता था। नंबर 3, रोक टोक करना। श्रुति झा ने हमेशा ही हर्षद चोपड़ा को बांध कर रखा था, उन्हें कभी किसी के साथ हंसने बोलने नहीं दिया, घूमने फिरने नहीं दिया, और रोक टोक करना तो इनके जहन में था, जिससे हर्षद चोपड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। जी हाँ, हर्षद चोपड़ा इनके साथ सिर्फ 1-2 साल रिलेशनशिप में रहे, और 1 साल में इन्होंने अपने आप को प्रेमी नहीं बल्कि जेल का बंदी जैसा महसूस किया था, जिसने इन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया। नंबर 4, बेवजह लड़ाई करना। हर्षद चोपड़ा की पूर्व प्रेमिका एक्ट्रेस श्रुति झा दिखने में काफी सीधी सादी सिंपल लगती हैं, पर असल जिंदगी में वो बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं, जिन्हें बेमतलब में लड़ाई करना, बातों को खींचना बहुत ज्यादा पसंद आता है, और हर्षद ने इस तकलीफ को बहुत झेला है। जहां पर स्थिति को समझाते समझाते थक जाते थे, पर श्रुति बिना मतलब की लड़ाई करना बंद नहीं करती थी, और इससे ये इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि दोनों का ब्रेकअप इसी वजह से हो गया था। नंबर 5, रिस्पेक्ट न करना। हर्षद चोपड़ा की एक और बात श्रुति को ना गवारा गुजरती थी, वो ये थी कि किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। जी हाँ, हर्षद ने खुद बहुत बार अपनी आंखों से देखा है कि अपने से छोटे लोगों को बहुत ज्यादा गंदा बोलती थी, और बुजुर्गों के साथ भी कुछ खास तरीके से पेश नहीं आती थी, जो हर्षद को बहुत दुख देता था। तो दोस्तों, आपको श्रुति झा की कौन सी बैड हैबिट पसंद नहीं है हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।